आज तारीख हो चुकी है 8 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सब आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर SA20 लीग के दूसरे सीजन को लेकर। दरअसल इस साल यहाँ पर दिसंबर जनवरी में हमें SA20 लीग का दूसरा सीजन देखने को मिलेगा। दूसरे सीजन का यहाँ पर अब दूसरा ऑक्शन, अब अगले महीनों का ऑक्शन से पहले हुए ड्राफ्ट में यहाँ पर कुछ टीमों ने कुछ खिलाड़ियों को यहाँ पर परचेज करके अपनी टीम में शामिल किया। जहाँ पर चेन्नई की टीम जोनबर्ग सुपर किंग्स ने मोइन अली को परचेज करके अपने स्क्वाड में शामिल किया। वही मुंबई की टीम यहाँ पर MI केप टाउन ने लिविंगस्टन को, इसके साथ ही टॉम बेंटन को अपने स्क्वाड में जोड़ा, अपनी टीम में शामिल किया। इसके साथ ही यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने यहाँ पर डेविड मलान को, इसके साथ ही यहाँ पर डिवेसन को अपनी टीम में यहाँ पर इंक्लूड किया। तो मुंबई की टीम में अब लिविंगस्टन की एंट्री हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जोफर आर्चर को मुंबई की MI केप टाउन ने रिलीज कर दिया। हालांकि यहाँ पर लिविंगस्टन की मुंबई की MI केप टाउन टीम में एंट्री हुई, लेकिन ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें फैल रही है कि शायद ये मुंबई इंडियंस की IPL टीम में आ चुके हैं, लेकिन लिविंगस्टन मुंबई की IPL टीम में नहीं आई, बल्कि मुंबई की MI केप टाउन का ये भाग बने। आप कमेंट करके बताइए आप SA20 लीग के दूसरे यहाँ पर ऑक्शन और सीजन के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है लसित मलिंगा की तरफ से। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम में लसित मलिंगा की एक बार फिर से यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। हालांकि IPL में ये राजस्थान रॉयल्स के कोच के रूप में नजर आए थे, लेकिन IPL के बाद अब यहाँ पर अमेरिका में होने वाली यहाँ पर लीग में मुंबई न्यूयॉर्क टीम के लिए अब ये यहाँ पर बॉलिंग कोच बन चुके। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटो और वीडियो देख पा रहे होंगे, जहाँ पर 14 जुलाई से अब अमेरिकन T20 लीग शुरू होगी। वहाँ पर ये मुंबई की टीम के लिए काम करेंगे, वहाँ पर मुंबई के बॉलिंग कोच रहेंगे। तो अब यहाँ पर मलिंगा अमेरिका पहुँच चुके हैं, मुंबई की टीम के साथ इन्होंने यहाँ पर अब काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इनकी मुंबई में वापसी को देखकर अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IPL में भी शायद ये मुंबई की टीम में कमबैक करेंगे, IPL में भी शायद ये मुंबई का भाग रहेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप लसित मलिंगा को क्या IPL में मुंबई के कोच के रूप में देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर गिव अवे की तरफ से। दरअसल हमने यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक यहाँ पर गिव अवे किया था, उसमें हमने 10 लकी सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर 1,000 रुपये यहाँ पर गिव अवे किए थे। अब यहाँ पर दूसरा गिव अवे हम अनाउंस कर रहे हैं। दरअसल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फैंटेसी चैनल की लिंक मिलेगी। आपको सिंपली 2 स्टेप करने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, फैंटेसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम एक पोल क्रिएट करेंगे, वहां पर आपको आके वोटिंग करनी है। जो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे इसके साथ ही वोटिंग करेंगे, उनमें से यहाँ पर 10 लकी विनर्स को यहाँ पर 2,000 रुपये गिव अवे किए जाएंगे। तो काफी बड़ा गिव अवे है। आज शाम को यहाँ पर लगभग 6 से 7 बजे के बीच हमारे टेलीग्राम चैनल पर विनर्स के नाम भी अनाउंस हो जाएंगे और यहाँ पर उनको पर्सनली मैसेज भी कर दिया जाएगा। उनको 2,000 रुपये यहाँ पर पेटीएम गिव अवे किया जाएगा। तो बिना किसी देर के आप अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप फैंटेसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, इसके साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख ले। वहां पर आप यहाँ पर आपको विनर के नाम पता चल जाएंगे और आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर विनर बनना चाहते हो या फिर इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में आप यस कमेंट करें ताकि हमें पता चल जाए कि आपने पार्टिसिपेट कर लिया। आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक यस कमेंट कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है MS धोनी के यहाँ पर बर्थडे को लेकर। दरअसल कल MS धोनी का 42वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया था, जहाँ पर पूरे देश भर में हर जगह MS धोनी के बर्थडे को लेकर यहाँ पर काफी अधिक चर्चाएं थी। इवन ऋषभ पंत जो कि करंटली बेंगलुरु में करंटली अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर MS धोनी के बिहाफ पर केक कटिंग करी। जहाँ अपनी स्क्रीन पर फोटो वीडियो देख पा रहे हैं। इसके साथ ही MS धोनी के घर के बाहर, MS धोनी के फार्म हाउस के बाहर यहाँ पर काफी अधिक फैंस की भीड़ आ गई थी। काफी अधिक फैंस MS धोनी के बर्थडे के लिए यहाँ पर MS धोनी घर के बाहर आ गए। आप अपनी स्क्रीन पर उनकी भी फोटो और वीडियो देख पा रहे हैं। तो MS धोनी का नेक्स्ट लेवल क्रेज है, शायद सभी क्रिकेटरों में से सबसे अधिक यहाँ पर क्रेज MS धोनी का। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से क्रिकेटर का आखिर आज की तारीख में सबसे अधिक क्रेज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है एडम जाम्पा की तरफ से। दरअसल एडम जाम्पा की यहाँ पर ट्रेड कंफर्म्ड हो चुकी है। दरअसल एडम जाम्पा बिग बैश लीग में यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन बिग बैश लीग के यहाँ पर नए सीजन से 3 महीना पहले ही अब ये ट्रेड होकर यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स से अब ये मेलबर्न रेनेगेड्स में जा चुके हैं। इसके साथ ही इनके जगह मेलबर्न स्टार्स में यहाँ पर सैम हार्पर आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एडम जाम्पा जो कि मेलबर्न स्टार्स के वन ऑफ द
द मेन प्लेयर थे वो यहाँ पर इस टीम को अब छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल बिग बैश लीग की यहाँ पर ट्रेड विंडो करंटली चल रही है, तो वहाँ पर खिलाड़ियों की ट्रेडिंग अब यहाँ पर हो रही है। अब जल्द ही यहाँ पर आईपीएल की ट्रेडिंग को लेकर भी काफ़ी सारी हमें खबरें देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी इसके साथ ही ट्रेडिंग विंडो से जुड़ी आप कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। आप कमेंट करके बताइए आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स को या फिर मेलबर्न रेनेगेड्स को आखिर कौन सी टीम को अधिक फायदा हो, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली के पास एक ऐसा मौका है जो कि अब तक किसी भी भारतीय क्रिकेटर ने यहाँ पर नहीं किया। दरअसल 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप अगर भारतीय टीम जीत जाती तो विराट कोहली यहाँ पर इंडियन क्रिकेट के यहाँ पर इतिहास के पहले क्रिकेटर रहेंगे जो कि दो बार 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतेंगे। जहाँ पर इससे पहले विराट कोहली ने 2011 में यहाँ पर 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है, अब 2023 में विराट कोहली के पास एक नया कीर्तिमान एक नया रिकॉर्ड सेट करने का मौका है। इससे पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने दो बार वर्ल्ड कप नहीं जीते। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, इसके साथ ही कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग जैसे लेजेंडरी खिलाड़ी, इन्होंने केवल एक एक बार ही वर्ल्ड कप जीता है। दूसरी बार अपने करियर में कभी भी इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो विराट कोहली के पास इकलौते विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जिनके पास मौका है कि ये कारनामा कर दो और भारत के इकलौते क्रिकेटर बन जाए जो कि 50 ओवर वर्ल्ड कप दो बार जीत जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या इस साल यहाँ पर विराट कोहली इकलौते ऐसे भारतीय क्रिकेटर बनेंगे या फिर नहीं जो कि दो बार वर्ल्ड कप जीतेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर नीतीश राणा की इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर नीतीश राणा की इंस्टाग्राम स्टोरी यहाँ पर देख पाओगे जहाँ पर नीतीश राणा का भारत और वेस्टइंडीज T20 सीरीज में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन ना होने के बाद इन्होंने ये इंस्टाग्राम स्टोरी लगी थी, काफ़ी दिन की इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हुई। हालांकि कुछ लोगों ने यह तक कहा था कि इनका आईपीएल में इतना भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था कि इनको टीम इंडिया में सेलेक्ट किया जाए, इनसे भी बेहतर यहाँ पर रिंकू सिंह ने परफॉर्मेंस किया था, उनको भी जगह नहीं मिली। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर नीतीश राणा यहाँ पर टीम इंडिया में यहाँ पर आईपीएल के बेसिस पर आखिर सिलेक्शन डिजर्व करते थे या फिर नहीं, क्या रिंकू सिंह से अधिक ये डिजर्व करते थे या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है केकेआर के यहाँ पर बल्लेबाज लिटन दास की तरफ से। दरअसल केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज लिटन दास को अब बांग्लादेश का ओडीआई कप्तान बना दिया गया है। जहाँ पर तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट अनाउंस करी थी, हालांकि एक दिन बाद उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी, लेकिन करंटली अब लिटन दास को यहाँ पर अपकमिंग दो सीरीज के लिए कप्तान बना दिया गया। इसके बाद कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी केकेआर ने लिटन दास को यहाँ पर कप्तान बना दिया, लेकिन केकेआर ने लिटन दास को कप्तान नहीं बनाया बल्कि बांग्लादेश ने इनको कप्तान बनाया केकेआर के लिए। तो शायद लिटन दास का अगले ऑप्शन में रिटेन होना भी यहाँ पर कंफर्म्ड नहीं है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर गंभीर के बाद किस वजह से आखिर केकेआर को परफेक्ट कप्तान नहीं मिल पा रहा, आपको आप कौन से प्लेयर को केकेआर में परफेक्ट कप्तान के रूप में देखते हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।